हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम टू माय चैनल फिशेस एंड प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले गप्पी फिश के बारे में। गप्पी फिश की केयर कैसे लेना है, ब्रीडिंग कैसे करना है और उसे क्या फीडिंग करना है, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं और आरिफ भाई हमें उसके बारे में गाइड करने वाले हैं। काफ़ी लोग गप्पी खरीदने के बाद बोलते हैं, भाई हमारी गप्पी मर रही है, मैंने एक डजन लेके गया था तुम्हारे से, दो डजन लेके गया था तुम्हारे से, मेरी तो पूरी गप्पी मर गई, मेरे तो बच्चे भी नहीं हुए, मेरे बच्चे हो गए, बच्चे खा ली मच्छी ने, ये सब काफ़ी लोग मेरे से भी बोलते हैं यहाँ पे आके शॉप के ऊपर। तो गप्पी रखने का तरीका आपको बता देता हूँ मैं ये वीडियो में, आपको मैं सब तरीका बताऊँगा, गप्पी ब्रीडिंग से ले के गप्पी रखने के तरीके तक आप लोगों को सब बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को ये बता दो, गप्पी आप लेते हो तो गप्पी के अंदर आप लेंगे तो मेल और फीमेल दोनों लेना होता है आपको। अगर आपको ब्रीड करना है तो, अगर आप ब्रीड नहीं करना चाहते हो तो ओनली फॉर मेल रखेंगे तो आपको इट्स ओके, आपको सिर्फ पालना है और पालना आपका सिर्फ टैंक में अच्छा लगना मांगता है, फिश टैंक के अंदर तो आप ओनली फॉर मेल ले रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपको ब्रीड करना है, मल्टीपर्पज करना है, उसका ग्रोथ करना है, बढ़ाना है काफ़ी, तो आप फिर वो फीमेल खरीद लो। तो इसमें मेल ही है, इसके अंदर सिर्फ मेल ही है इसके। इसमें आरिफ भाई मेल और फीमेल दोनों दिख रहे हैं ना, ये है, मैंने फीमेल भी मंगाया, काफ़ी लोगों को फीमेल भी चाहिए होती है वो हिसाब से। हाँ, ये अच्छी साइज़ की फीमेल है। अब आप लोगों को बता देता हूँ इसका ब्रीडिंग करने का तरीका। चलो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि रखने का तरीका सीख लो, उसके बाद ब्रीड करना सीखेंगे, पहले रख तो ले। आप लोगों को बता देता हूँ गप्पी रखने का तरीका। गप्पी आप रखते हो तो बिना ऑक्सीजन में भी रखो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रखने का तरीका ये है कि आपको नॉर्मली स्पंज फिल्टर वगैरह आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, और लगाएंगे तो इट्स ओके, क्योंकि पानी क्लियर रहना चाहिए, आप कुछ किसी भी चीज़ में रखेंगे तो। स्पंज लगाने का रीज़न ये कि आप इसको स्पंज निकाल के वॉश करो, बाद में आपका पानी क्लियर होते रहता है कंटिन्यूटली। तो आप लोग को ये बता दो, गप्पी लाएंगे किसी भी दुकान के अंदर से तो पहला तो सबसे पहला कंडीशन इस ज़रूरी है कि भाई गप्पी मैंने ले लिया हो कि भाई कैसी तरीके से, किस तरीके से है, अच्छी है या नहीं है। बंदे के पास 10-15 मर रही थी, फिर भी मैंने वही टाइम में से खरीद कर लेकर आया हूँ तो मेरे पास भी ऑब्जेक्टली मरेगी ज़रूर। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि आप लोग गप्पी खरीदते हो तो गप्पी के अंदर ये ध्यान रखिए कि भाई गप्पी लाते हो तो सबसे पहले सडनली गप्पी ला के छोड़ो मत, सबसे पहला पानी चेंज कर लो। सबसे पहला स्टेज है पानी चेंज करना। पानी चेंज करने के बाद आप लाके मच्छी छोड़ो उसके अंदर। मच्छी छोड़ने के बाद आप इसको मेडिकेशन करो। सबसे पहला मेडिकेशन करने के लिए आपको ग्रीन लिक्विड, येलो लिक्विड यूज़ कर सकते हो, एंटीबायोटिक में टैबलेट यूज़ कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन है, बहुत सारी एंटीबायोटिक मिलती है, आप यूज़ कर लो। उसके अलावा बाद में हल्का सा रॉक सॉल्ट नमक डाल देना उसके अंदर, अगर हो सके तो आपको वो होने के बाद आप आलमंड लीव्स भी डाल सकते हो, बादाम का पत्ता इसके अंदर, ताकि मच्छी को कंडीशन थोड़ी सी गप्पी की अच्छी रहती है। अगर आपको ब्रीडिंग करना है, अपने मेल फीमेल लेकर आ गए हो तो आप लोगों को नायलोन का खाता होता है, नायलोन का खाता आपको खोलना है, रस्सी ले लो, रस्सी का खाता बना लो, उसका गुच्छा बना के बीच में डाल दो, पैर डाल दो उसके अंदर, आपने जो भी खरीदो एक्स वाई जेड उसके अंदर डाल दो उसके अंदर। नेचुरली उसके अंदर आपको सिर्फ फीडिंग करना है और पानी चेंज करना है। पानी ज़्यादा चेंज ना करें, 50% पानी चेंज करो, जितना पानी चेंज होएगा उसका पेट साफ रहेगा, मच्छी ब्रीडिंग करने के लिए ईजी रहेगा, उसका साइज़ भी बढ़ेगा और उसका ब्रीड भी होगा। इसके लिए आपको नायलोन का खाता डालने का, तो आपको सिर्फ फीडिंग करना है, उसके अलावा आपको पानी चेंज करते रहना है कंटिन्यूटली। उसके अलावा आप लोगों को पानी चेंज करेंगे तो आपका जो होता है डाइजेशन मच्छी का, गप्पी इसका क्लियर रहेगा तब जाके तो वो बच्चे देगा, फीमेल हो उसका डाइजेशन क्लियर रहेगा तो। उसके अलावा जो बच्चे देंगे उसके अंदर नायलोन के खाते में, तो नायलोन के खाते में बच्चे आके फंस जाएंगे, आपका ब्रीड होता रहेगा, आपको बच्चे निकालना है, सेपरेट करना है, ऑलरेडी वो बच्चे देते रहेगी, आपको निकाल के अलग रखना है। सबसे पहला ज़रूरी है कि गप्पी को पहला सही तरीके से आप रखे, उसको संभाले। ये नहीं कि आप गप्पी लेके आ गए, भाई मेरा प्लांटेड टैंक है उसके अंदर ले जाके मैंने छोड़ दिया, उसके अंदर ब्रीड हो जाएंगे तो ब्रीड होंगे तो भाई दूसरी मच्छी भी उसको खा लेगी बच्चे उसके। इसलिए आपको ब्रीड करने के पर्पज़ से करना है तो आप उसको सेपरेटली करें। अगर ब्रीड नहीं करना है, आपको शो के हिसाब से प्लांटेड में रखना है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेल मेल लो, ले जाके आपके प्लांटेड में टेट्रास में छोड़ दो। तो आरिफ भाई, गप्पी फिश रखने के लिए कम से कम कितना साइज होना चाहिए टैंक का? भाई गप्पी का आप क्वांटिटी पे डिपेंड है, आप कितना क्वांटिटी लिए हो सामने वाले से। अगर आपने 6 मच्छी लिए हो, 3 फीमेल या 4 मेल या 2, 4 फीमेल या 2 मेल लिए हो, तो आपने आपको छोटा सा 1.5 फुट का भी टैंक इट्स ओके, या फिर आपको 10-12 इंच का बाउल है आपके पास पड़ा हुआ तो आप उसी में भी ब्रीड कर सकते हो। अगर आपको बाउल में आप ब्रीड करते हो तो 10 या 12 इंच का बाउल ले लो आप, उसके अंदर ब्रीड कर दो, 12 फिशेज भी रखेंगे तो ब्रीड हो जाएगी। मगर मेरे हिसाब से 12 फिश ले लो, 10-12 इंच के बाउल में रखो, ब्रीड होंगी, उसके बाद आप उसको अलग अलग सेपरेटली बच्चे निकाल लो, उसके अंदर ब्रीड होते रहेगा। बहुत से लोग बोलते हैं भाई ब्रीडिंग का कुछ मिलता है क्या, ब्रीडिंग का ट्रे बहुत से कंपनी ने निकाला है, बनाया है, ब्रीडिंग बॉक्स निकाला है कि उसके अंदर ब्रीड होएगा, बच्चे नीचे आ जाएंगे,
वो काफी निकाला है तो काफी खर्चे वाला काम है, तो मेरे हिसाब से तो इजीली यही है कि नायलॉन का कांटा डालो, इजीली बच्चे पैदा होएंगे, नायलॉन के कांटे के अंदर बच्चे आके फंस जाएंगे, सेफ्टी रहेंगे, बच्चे निकाल लो साइड में कर लो, बस इतना इजी है। सब्सक्राइब माय चैनल सो यू कैन सी माय अपकमिंग वीडियोस। तो नहीं भाई, ये गप्पी तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी ने ब्रीड किया है यहाँ पे। तो आरी भाई, इसको क्या फीडिंग करना चाहिए, खाने में क्या डालना चाहिए? गप्पी इसको आप इंस्टिंग वगैरह डाल सकते हो, इसके अलावा आप इसको नॉर्मल जैसे कि ड्राई वॉर्म्स होता है, ट्यूबीफेक्स वॉर्म्स है, ये भी आप इसको डाल सकते हो। बहुत से लोग ब्रीड होने के बाद बोलते हैं कि भाई डेफनी लेना ज़रूरी है, डेफनी डालना ज़रूरी है बच्चों को, तो भाई लोग डेफनी अपनी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। बिस्किट होता है पाले जी, उसका पाउडर बनाओ, वो डालो, अंडे का बल्क वगैरह डालो, समझे। और बहुत सा है, फिर अपना झींगा होता है, झींगा जो झींगे को क्या बोलते हैं, सुकट बोलते हैं, सुकट झींगा जावला, हाँ उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में बारीक कर लो, बारीक करने के बाद उसका पाउडर बनाओ, उसको छानो एक इसमें ओढ़नी में दुपट्टे में छानो, उसके बाद बारीक सा पाउडर रहेगा, वो बारीक पाउडर भी आप उसको फीडिंग करेंगे तो इट्स ओके, सबसे बेस्ट। Okay. आपका गप्पी का फीडिंग हो जाएगा, बेबीज का भी फीडिंग हो जाएगा आपका, और गप्पी भी आपकी कंडीशन में रहेगी। तो यानी वो फीडिंग करने से चलेगा भाई? वो चलेगा, वो झींगे का पाउडर आप नॉर्मली जो जितने भी फूड बनते हैं फिशेस के जितने भी फूड बनते हैं, आप उसको कभी नाक में उड़ा के सूंघ लो, आपको मच्छी की बास आएगी। वो झींगा का पाउडर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जितने भी फूड जो भी आते हैं चेन्नई में वगैरह बनते आता, बाहर बनते हैं, थाईलैंड में बनते हैं, तो उसके अंदर मच्छी का स्मेल आता है, मच्छी मच्छी को खाती है, वो हिसाब से आप झींगे का पाउडर डाल सकते हो। आप टेट्रास में भी झींगे का पाउडर यूज़ कर सकते हो, उसमें क्या होता है आपका पानी भी गंदा नहीं है, मगर डालने का भी एक लिमिट है, एक आप बोलेंगे एक चम्मच दो चम्मच डाल दो, ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा हल्का सा डालना है, हाँ मच्छी है, हल्का सा पेट है उसका, छोटा सा मच्छी है, कितना खाएगी। ओवर फीडिंग भी नहीं करना, ओवर फीडिंग करने से भी मच्छी मरना चालू हो जाएगी, और जितना होएगा उतना डेली साइफन लें, डेली पानी चेंज करें और डेली फीडिंग करें टाइम टू टाइम बस, और इसके अंदर पावर फिल्टर ना लगाए, टॉप ऑफ फिल्टर ना यूज़ करें, छोटी गप्पीज है ये, गप्पी को पावर फिल्टर इंटरनल फिल्टर खींच लेगा, पावर फिल्टर ना लगाएं। इसके अलावा आप इसके अंदर नॉर्मल से स्पंज फिल्टर यूज़ करें, ब्रीड करें, या फिर एयरस्टोन वगैरह भी डाल सकते हैं आप, नॉर्मली ब्रीड करना है तो हो जाता है इजीली, है तो नेचुरल ब्रीड है, लाइव बैरर है, फटाफट ब्रीड हो जाता है। और स्पंज फिल्टर आप रिकमेंड करते हो? मेरे लिए सबसे बेस्ट फिल्टर इज स्पंज फिल्टर, क्योंकि साफ करने के लिए भी ईजी है और उसका प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, मच्छी भी खींची नहीं जाती है, बस इतना है कि आपको टाइम टू टाइम स्पंज निकाल के उसका धुलना है और फिर से लगाना है, स्क्रबिंग करना ज़रूरी है। एक बार ध्यान में रख के गप्पी पाल रहे हो तो स्क्रबिंग किया करो टाकी को, टैंक को, समझे, जैसे कि अंदर हाथ मारते फिशेस के अंदर पानी जब भी चेंज करेंगे तो उसके अंदर स्क्रबिंग करो, उसके बाद आप पानी चेंज करो, पानी चेंज करने के बाद आपको आलमंड लीव्स रहेंगे, आलमंड लीव्स डालो, उसके अंदर सूखा हुआ बादाम का पत्ता, या फिर आप एंटीबायोटिक कोई भी टैबलेट यूज़ कर सकते हो, रॉक सॉल्ट डालो हल्का सा उसके अंदर, बस आपकी गप्पी इस कंडीशन में रहेगी। तो अरे भाई, गप्पी को हम प्लांटेड टैंक में भी डाल सकते हैं? गप्पीज आप टेट्रस के साथ में रख सकते हो, गप्पी जेब्रा के साथ में भी रहता है और काफ़ी टेट्रस के साथ में भी रहता है, गप्पी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांटेड में डालेंगे तो ऐसा मेडिकेशन का भी इतना प्रॉब्लम है, बच्चे देंगे तो भी वो उसी के घूमते रहेंगे। तो अरे भाई, ये गप्पी के टैंक मेट्स कौन कौन है? आप इसके साथ में टेट्रास रख सकते हैं, ये वाला वैरायटी रख सकते हैं आप टेट्रास का, टेट्रास डाल सकते हैं, टेट्रास रख सकते हैं, नियॉन टेट्रास रख सकते हैं, ज़ेब्रा रख सकते हैं, इसमें कैटफिश दिख रहा है ये भी रख सकते हैं ना? कैटफिश है, कोरी कैटफिश है, वो अल्बिनो कोरी, ग्रीन कोरी कैटफिश की वैरायटी, ये भी रख सकते हैं। इसमें तो दिख ही रहा है, रामारोजी भी रखा हूँ, रामारोजी भी रख सकते हैं, और ये जेब्रा फिश भी रख सकते हैं, जेब्रा भी रख सकते हैं आप गप्पी के अंदर, क्योंकि जेब्रा मारता नहीं है ज़्यादा, इतना प्रॉब्लम नहीं देता है। बच्चे अगर होते हैं छोटे छोटे रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आपका प्लांटेड टैंक है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बच जाते छुप जाते, जो छुप गया वो बच गया वो सेफ रह गया, उसका साइज पकड़ लिया। अगर आपको ब्रीडिंग के पर्पज से करना है तो भाई आप सेपरेट रखो, अगर आपको ब्रीड नहीं करना है नॉर्मली रखना है लुक वाइज रखना है तो आप कोई भी टेट्रास में डालो, सर्फी छोड़ के, सर्फी टेट्रास। और आरी भाई, किसके साथ बिल्कुल गप्पी फिश बिल्कुल नहीं रखना है? गप्पी आप मौली के साथ में ना रखें, मौली के साथ बिल्कुल नहीं, टाइगर शार्क के साथ में ना रखें, टाइगर शार्क के साथ, गोल्डफिश के साथ में भी अवॉइड करें, फ्लोरन के साथ तो नामुमकिन, उसमें तो रखना ही मत, एंजल में भी नहीं रखना, एंजल में भी आप गप्पी नहीं रख सकते, इसके अलावा आप डॉलर में गप्पी नहीं रख सकते, डॉलर में नहीं रख सकते।
और कौन कौन सी फिश है जिसके साथ बिल्कुल रखना ही नहीं है गप्पी फिश को? बहुत से लोगों को लगता है कि भाई गुरामी से एक वैरायटी है, नॉर्मल गुरामी, ब्लू गुरामी, येलो गुरामी, गोल्डन गुरामी जो होती है नॉर्मल सी, उसके अंदर भी बहुत से लोग लगता बिना के ऑक्सीजन की मच्छी तो रख लूँ उसके साथ में, मैं तो उसके साथ में भी अवॉइड करें क्योंकि मार देंगी वो, शाक के साथ में तो रखी ही नहीं क्योंकि शाक खा लेगा उसको पता नहीं चलेगा आपने कितना कब डाले थे मच्छी, ऑस्कर के साथ में ना डाले, डिस्कस के साथ में भी ना डाले, डिस्कस भी मारेगा, और आप रेटल कैटफिश या कोई ऐसी कैटफिश है जो बड़ी साइज की होती है उसके साथ में ना रखें। अगर फिश ओवर क्राउडेड हो जाती है गप्पी फिश तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है फिर? क्वांटिटी कोई भी फिशेस या कोई भी टाइम का लेंगे तो आपका प्रॉब्लम ये होगा कि कई मच्छी को खाना मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कोई सूख जाएगी, कोई मोटी हो जाएगी, कोई हेल्थी रहेगी, कोई दुबली पतली रहेगी, नाजुक रहेगी, जो खाना नहीं खाएगी वो मर जाएगी, ऑब्वियसली उसको फीडिंग नहीं मिला है वो सूख सूख के मर जाएगी, और जिसको खाना ये हिसाब से आप लोग एक अगर ब्रीड करने के बाद ये आपको फीडिंग प्रॉपरली करना ज़रूरी है क्योंकि मच्छी अपने पाले हो तो आपका काम ही है कि मच्छी को खाना टाइम टू टाइम देवे और पानी टाइम टू टाइम चेंज करो, क्योंकि आप उसको जब लाते हो किसी दुकान से शॉपकीपर के पास से लाते हो आपके घर पे लाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको खिलाना है, उसका पानी चेंज करना है, उसका ख्याल रखना है, क्योंकि आपके हाथ में रिज़्क होता है उसका, ऊपर वाला जब आपको देता है वो ख़रीद के आप लाए हो तो आपको उसका खुद को ही डालना पड़ेगा क्योंकि वो खुद तो नहीं जाएगी बाहर खाने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे मच्छी का एक मच्छी अगर उसके अंदर ख़राब है तो उससे अच्छा है कि उसको निकाल दो साइड में और बाकी के मच्छी आपकी सेफ्टली रहेगी, एक मच्छी अगर जाती है तो जाने दो, बाकी के आपके मच्छी तो सेफ रहती हैं। अगर ये हम आउटडोर टब में वगैरह रखते हैं तो भी चलेगा अरे भाई? गप्पीज तो ऐसी मच्छी है कि भाई आपको इसको किधर भी रखो सब चलता है, जैसे कि बहुत से लोग हैं ब्रीड करने वाले बड़े बड़े जो कलकत्ता में पड़े हैं, मद्रास में पड़े हैं, बहुत से ब्रीडर हैं काफ़ी जो अपने छत के ऊपर कर रहे हैं, बाथ टब में कर रहे हैं, घर के ऊपर एक टैंक लगा दिए 4 फुट का उसमें कर रहे हैं, प्लास्टिक के बर्नी में कर रहे हैं, आप जैसा चाहिए वैसा इसको ब्रीड कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान में रखें एक बात, अगर आप ब्रीड करना चाहते हो तो अच्छी क्वालिटी का गप्पी ब्रीड करें, जैसे कि जितना खर्चा आपको नॉर्मल गप्पी ब्रीड करने के बाद लगने वाला है उतना खर्चा आपको अच्छी क्वालिटी गप्पी ब्रीड करने में भी लगेगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा वैरायटी में निकालना चाहता हो उसी के अंदर से गप्पी के अंदर, तो आप क्रॉस ज़्यादा मारें, क्रॉस मारेंगे तो आपको कुछ अलग सी वैरायटी देखने मिलेगी, जैसे कि सिंगापुर में जनरेशन बनाया जाता है मच्छी का, मच्छी अलग अलग किस्म की क्रॉस मार मार के निकालते हैं, ये जितनी भी फिशेज होती है सबसे पहले सिंगापुर में बनती है, उसके बाद इंडिया में वहाँ से खरीदने के बाद यहाँ पे इंडिया में आती है यहाँ पे, तो ये जनरेशन काफ़ी कॉस्टली होती है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखें कि गप्पीज की वैरायटी ले, फीमेल अलग क्वालिटी के ले, मेल अलग क्वालिटी का ले, क्रॉस मारे, क्रॉस मारने के बाद आपको क्या रिजल्ट निकलता, कौन सी गप्पी निकलती, कौन सी वैरायटी निकलती है, अगर आप कुछ अलग हटके निकालते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उसके अंदर, कुछ हटके गप्पी आपने लोगों के सामने पेश किया और आप किसी को दिखाते हो तो लगना मांगता नहीं भाई ये गप्पी तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी ने ब्रीड किया यहाँ पे। आरिफ भाई गप्पी फिश के बारे में आपने कुछ बहुत ही बढ़िया सा नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया है, आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स है सब्सक्राइबर्स है उनको ये जरूर हेल्प करेगा, थैंक यू आरिफ भाई। ये वीडियो में हमने जो भी गप्पी फिश देखी है वो परी फिश एक्वेरियम में की है, अगर आपको फिशेज पसंद आई और आपको बाय करना है तो आप दिए गए एड्रेस पर विजिट कर सकते हो। फ्रेंड्स ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज़ में आपके लिए लाते रहने वालों, सो देखते रहिए फ्रेंड्स फिशेस एंड प्लांट्स।